सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं और राहुल हम कहाँ चल रहे हैं भाई? अब हम जा रहे हैं नवाबों के शहर। आज हम स्पेशली नवाबों के शहर जा रहे हैं जो कि है लखनऊ। और आज 12 अक्टूबर है और हम रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह कैसे चल देते हैं। आपको पहले ही बता दूँ कि हमें स्पेशली काम से जाना पड़ रहा है। काम से तो हम जाएंगे लेकिन साथ साथ लखनऊ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम बहुत दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे, तो ये चीज़ हम राहुल आगे बाकी का आपको आगे गाड़ी में बैठ कर बताते हैं कि क्यों नहीं व्लॉग्स आ रहे थे और क्या रीज़न था। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम पहुँचे हैं हाथरस के आगे, थोड़ा सा मतलब दूसरा टोल हमने क्रॉस करा है अभी आगरा एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ दूर दूर तक आपको पता ही होगा कि एक्सप्रेस वे तो बहुत मस्त है, दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, चलाते रहो मस्ती में, बस यूँ चलाते रहो। हर एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, सनराइज। तो शायद मुझे नहीं लगता दिल्ली में हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं, बट हाँ यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, काफ़ी अच्छा सनराइज है। हाँ जी, तब तक हम ड्राइविंग करते हैं और आप सनराइज का मजे लीजिए। एक हाईवे पे ही हमने कहीं बीच में एक रुकी है अपनी गाड़ी और यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए सोच रहे हैं। तो आज फिर से प्लान है मैगी का, मैगी चाय पराठा, लेट्स सी अब क्या करते हैं। हमारे राहुल भैया देखो मैगी बना रहे हैं। ये देखिए। सो गाइस, अभी हम लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और अभी हम रुके हैं बीच में एक हॉल्ट पे, तो थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके, और हम अब बना रहे हैं मैगी। मैगी, यस, मैगी है, पराठे हैं और ये है हमारा सेटअप छोटा सा। यार एक्चुअली आज ये है चाय, ये है फ्रूट्स, ये इसमें हमारे पराठे परूंठे, और ये अभी हमारी बन रही है मैगी। मैगी 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 विद मसाला, मैगी मसाला रेडी है। काफ़ी दिनों के बाद ये वाली थोड़ी सी आउटिंग हुई है क्योंकि हमारे राहुल भैया बीच में बीमार हो गए थे। अब आपको क्या बताएं, राहुल भैया बीमार हो गए थे, इन्होंने कोविड टेस्ट भी कराया, बट कोविड टेस्ट बेसिकली हुआ क्या था, हम अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। इतने दिनों से वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं थोड़ी ज़्यादा हो गई थी एक्चुअली। हमें डर था कि कोरोना से कहीं कोई इफेक्ट ना हो। पानी ना ज़्यादा हो गया। ये हमारी मैगी, क्या खुशबू है, बस इसको थोड़ी देर और पकाना है। पानी थोड़ा सूप वाली मैगी है ये, तुम तो सूप ही मैगी, और ये लखनऊ वाली मैगी, नवाबों वाले शहरों में, नवाबों वाले शहरों में तो वाली मैगी, शौक भी तो नवाब वाले रखने पड़ेंगे ना। सो गाइस, हम आपको ये बता रहे थे कि व्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे। तो एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में मेरा इन्फेक्शन हो गया था, तो पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से मेरे को फीवर हो गया था। तो फीवर मेरे को नॉर्मल यूजुअली होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो फिर वो जाता है 102 103 104 तक भी चला जाता है। इस बार ही गया वो,
तो इस बार क्या हुआ कि फीवर जैसे हुआ तो 102 103 वो नॉर्मल था मेरे लिए, लेकिन वो फिर वहाँ तक नहीं रुका, वो बढ़ता गया 104, फिर 104.8 तक गया मेरा फीवर जो है। तो बहुत ज़्यादा फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, पट्टियाँ वगैरह रखी, मतलब आइस पैक वगैरह ये सारा चीज़ें जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल में आ जाए। फिर चेकअप वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तो फिर उससे पता चला कि पेट में इन्फेक्शन था। एक्चुअली क्या है, एक मिनट भाई बीच में टोकूंगा। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली क्या है कि टेंशन हमें इस बात की थी कि कहीं कोरोना ना हो, क्योंकि कोरोना हो गया तो घर में जितने भी मेंबर हैं सबकी टेंशन, और कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, स्पेशली काम के अभी बहुत दिक्कत हो, मतलब इतनी टेंशन हो गई थी, मतलब लास्ट के 15 दिन इतने टेंशन में गए हैं भाई बता नहीं सकते। इसी वजह से ओनली एंड ओनली रीज़न इसी वजह से आपको व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो अब हमारी तबीयत एकदम ओके, परफेक्ट, फाइन है। हमने तभी के तभी कोरोना टेस्ट भी करा लिया था जब हमारे को फीवर था, तो रिपोर्ट उसी वक्त ही नेगेटिव आ गई थी। ऐसा नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसके बाद फिर हमारे को कोर्स हुआ सारा का सारा और उसके बाद नेगेटिव है, हमारा पहले से ही नेगेटिव था। नेगेटिव भी था लेकिन उसके साथ साथ भी हम मतलब राहुल प्रिकॉशन लेके चल रहा था कि कहीं कोरोना ना हो, तो इसने एक अपने आप को एक रूम के अंदर क्वारंटाइन कर लिया था और बाकी फैमिली मेम्बर्स अपने दोस्तों से बहुत एक डिस्टेंस बना के रखा था, जो कि बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। आपको थोड़ा सा भी कहीं लगता है ना तो आप डाउट में मत रहो, ना दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालो, अपने आप को एक रूम के अंदर क्वारंटाइन कर लो, देन उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। अब उसको पता चला जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है तो इसने फिर उसके बाद अपना जो नॉर्मल रूटीन होता है वैसे ही चलने लग गया। फिर यश ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी इस पर्टिकुलर हमारी जर्नी में, चेकअप कराने में, टेस्ट कराने में, तो वो एक अपना दोस्ती यारपना बोल सकते हो आप, भाईचारा चलता है, भाईचारा वगैरह सब चलता है, एक तरीके से लेन देन हो गया हमारा। तो बाकी इस टॉपिक को हम और आगे बाद में बढ़ाएंगे, अभी हमारी मैगी देख लो ये फाइनली बन गई है कि नहीं बनी, हमारे व्यूअर्स बताएंगे क्या। बट लेकिन भाई खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ इसमें से ना, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। वैसे ये थोड़ा सा ना ये देख सूप जैसा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है तो उसको हम ऐसे खाते हैं। नहीं 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 मैं बताऊँगा।